हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ब्रोस। तो आज मैं बात करूंगा आईपीएल रिटेंशन पर भी काफ़ी सारी न्यूज़ आई। तो जो हम पहली टीम डिस्कस करने वाले हैं जिसके प्लेयर रिटेन हो सकते हैं आईपीएल में, कौन से प्लेयर रिटेन हो सकते हैं, तो वो रहेगी एमआई। जैसे कि आपको पता होगा कि 5 प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो और एक आरटीएम कर सकते हो। तो जो पहले प्लेयर की प्राइस रहेगी, जो रिटेंशन रहेगा, वो 18 करोड़, दूसरे का 14 करोड़, तीसरे का 11 करोड़, फिर चौथा प्लेयर जो रहेगा वो भी 18 करोड़, और एक और 11 करोड़, और जो अनकैप प्लेयर रहेगा वो आप 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हो। और अनकैप प्लेयर के लिए एक नया रूल आया है जिसमें आप अगर कोई प्लेयर इंटरनेशनल मैचेस 5 साल से पहले से उसका आखिरी इंटरनेशनल मैच था, तो आप वो अनकैप में काउंट होगा, जैसे कि एमएस धोनी। तो वही मैं बात करूँ तो एमआई का जो पहला प्लेयर ऑफकोर्स रिटेन होगा वो है जसप्रीत बुमराह। श्योरली वो तो रिटेन होने ही वाले, मतलब उन जैसा बॉलर फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में शायद ही एग्जिस्ट करता है। दूसरे प्लेयर रहेंगे सूर्य कुमार यादव, मेरे लिए 360 डिग्री। तीसरे प्लेयर रहेंगे हार्दिक पांड्या, कैप्टन पिछले सीजन के। चौथे प्लेयर रहेंगे तिलक वर्मा। पांचवे प्लेयर रहेंगे निधाल वदेरा, या तो ईशान किशन या तो पीयूष चावला। अब इंटरेस्टिंग होगा देखना किसको रिटेन करती है मैं, किसको नहीं। आप बोलोगे इसमें रोहित शर्मा का नाम मिसिंग था, तो मैं इस पर बोलूँगा ये टॉपिक अभी थोड़ा आई थिंक सो रोहित शर्मा ही डिसाइड करेंगे उनको रुकना है कि नहीं। अगर वो रुकना चाहता है तो मैं उनको ज़रूर रिटेन करेगी, मगर देखते हैं इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा हम उनको ज़रूर बताएंगे। ये थे एमआई के लिए 5 रिटेंशन। और ऐसे न्यूज़ के लिए प्लीज़ स्पोर्ट्स ब्रोस को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।